अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 सेट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात और इसी तरह के और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोवेंशनल असेंबली तीनों मिलकर जो है प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती हैं। ऑल ऑफ देम इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करता है? ये हमारी जो होती है नेशनल असेंबली जो होती है वो सेलेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बी कैमरल लेजिस्लेटिव वॉज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कौन से उसमें हुई थी? 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर द पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली। तो 25 ईयर्स का बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वॉज सेट। तो स्टार्ट में जो थी 100 सीट जो है वो सेट की गई थी, लेकिन बाद में 4 सीट इंक्रीज की गई, तो अब 104 सीट्स हैं सेनेट में। क्वेश्चन नंबर 47, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया जाता है। आर्टिकल 58 2B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 इज अबाउट, ये किसके बारे में है? ये पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, ये इसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 234 आर्टिकल्स थे। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? 250 आर्टिकल्स थे। और इसी तरह जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? तो वो 280 आर्टिकल्स हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। 52 नंबर है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को में कब डिक्लेयर किया गया नॉन मुस्लिम्स को, इन कौन सी कम्युनिटी को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था? तो कादियानीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। व्हेन डिड द फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कब ज्वाइन की थी? 1939 को। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग किसने बनाया है? अमीरुद्दीन कदवाई ने। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम किसने सजेस्ट किया था? प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने। पाकिस्तान वेयर इज द बिगेस्ट साल्ट माइन जो है, पाकिस्तान का पहला क्वाइन जो है वो कब इशू किया गया था? वो 3 जनवरी 1948 को। पाकिस्तान का बिगेस्ट साल्ट माइन कहाँ पर है? वो है जेहलम में। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कहाँ पर है? कौन सा है वो रिवर? सिंध। इसको इंडस रिवर भी कहते हैं। विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, कौन सा है? जैस्मीन है। और 60 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, बर्ड जो है वो हमारे पास है चकोर। तो ये था आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे।